दिन भर मेरे को डांटते रहते हो। इसकी गलती होती तो भी पापा मेरे को ही डांटते हैं। किस दिन ऐसा सुनाऊंगा ना, सब चुप हो जाएंगे। दिन भर मगजमारी करते रहते हैं। अब तो रोज का हो गया आप लोगों का, हमेशा डांटते रहते हो जब बोलो तो। क्यों चिल्ला रहे, तू इतना जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे? आप भी डांट लो। नहीं, आप भी डांट लो मेरे को। ज्यादा बोला तो। हाँ बस, मैं छोटा तो आपको और पापा को तो मारना ही आता है मेरे को। बहुत ज्यादा जमान चलने लग गई तेरी। आप और पापा हमेशा मेरे को डांटते रहते हो। ठीक है, शांति रख, बैठ दो मिनट। एक बात बता। क्या हुआ? बोलो। पेज क्यों फाड़ रहे हो यार? बे दो मिनट शांति रख, सुन तो ले। पेज की वेस्ट कर रहे हो। शांति से सुन ले, ज्यादा दिमाग मत लगा। इधर देख, अब तू मुझे क्या क्या प्रॉब्लम है तेरे को? इतना ज्यादा एक साथ गुस्सा आ रहा है, मतलब बहुत सारी बातें होंगी। बहुत है, हद पार। हाँ तो बता। चल मैं, तू एक बात बोलेगा, मैं एक बार इसको क्रश करूंगा। ठीक है, जितनी बार बोलेगा उतनी बार इसको क्रश करूंगा। ठीक है, तो चल अभी बता। मम्मी पापा पूरा दिन डांटते रहते हैं, पूरा दिन। ठीक है फिर। और वो जो मेरी बहन ना, वो मेरे से साथ मस्ती करती है। कुछ भी हो सीधा पापा मेरे को ही डांटते हैं। उसकी कोई भी गलती हो मेरे को ही डांटते हैं। ठीक। मेरे दोस्त लोग मेरे को चिढ़ाते हैं, दिन भर चिढ़ाते रहते हैं। ठीक है। और किसी की भी हेल्प करूं लास्ट में मेरा ही नुकसान होता है। कुछ भी हो जाए, कोई भलाई का जमाना ही नहीं रहा आज तो। अब देख सुन, ये क्रश्ड हो गया पेपर। हाँ। अभी एक बॉल जैसा हो गया। हाँ। ठीक है, अब इस पेपर को फिर से पहले जैसा कर, सॉरी बोल के। सॉरी बोलते कर, मैं बोल रहा हूँ उतना कर। दो मिनट मेरी बात सुन ध्यान से, बोल सॉरी। सॉरी 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 सॉरी। अब रुक, ये पेपर पहले जैसा हो गया? नहीं, कभी हो ही नहीं सकता, वो तो मुझे पता ही था। तो जैसे मैंने एक बार क्रश किया, वैसे ही तेरे बोले हुए शब्द दूसरे के दिल को क्रश कर सकते हैं। यानी कि तू कोई भी गलत वर्ड बोला, कुछ भी गुस्से में बोला, सामने वाले को बहुत गहरी चोट पहुंच सकती है। और तू सोच रहा है कि मैं प्यार से बोल दूं, सॉरी बोल दूं, तो ये फिर से वैसा हो जाएगा? तुझे नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तो वही चीज मैं तुझे समझा रहा हूँ कि देख, कोई भी तेरे साथ इस तरीके बिहेव करे तो इसका मतलब ये नहीं कि तू उनको सुनाए। तू बोल रहे तो पापा को सुनाएगा, पापा को, मुझे जो तेरे साथ हमेशा रहे, तेरी मदद की है। कभी तेरे झगड़ा हो गया तो तेरे को बचाने कौन आया? मैं ही आया ना। हाँ, आप लोग ही आए मतलब। तो फिर गुस्सा किस बात का? इतने खराब वर्ड्स बोल के तू क्या कर? लेकिन दिन भर मेरे को डांट पड़ती रहती है, मैं फ्रस्ट्रेट हो गया, पूरा पूरा फ्रस्ट्रेट हो गया, क्या करूँ मैं भी? देख पूरी गलती तेरी नहीं है, थोड़ी गलती हमारी भी है। आप दिन भर मेरे को अभी कभी प्यार से समझाया होता तो मैं मान जाता एक बार को। हाँ तो बस इतनी छोटी छोटी बातों पे गुस्सा क्यों रहा है, इतना चिढ़ क्यों रहा है मम्मी और सब? अरे यार आप भी मेरे को ज्ञान दे रहे हो, सब ज्ञान देते हैं लेकिन खुद पे कोई अमल नहीं करता। बोलते कि गुस्सा करना पाप है, लेकिन मेरे लिए ही पाप है खाली, बाकी सब गुस्सा कर सब चलता है। सब कहीं और से गुस्सा उठा के मेरे पे डाल देते हैं। आप भी समझा बड़े, आप दूसरों को समझा सकते हो, पापा को मम्मी को समझा सकते हो, आप भी समझो। ठीक है कोई बात नहीं, मैं इस बार समझा तो दूंगा, लेकिन दूसरी बार तू इस तरीके से गुस्सा मत करना। मैं सबको बोलूंगा लेकिन तू इस बार ध्यान रखना, तू इस तरीके से मम्मी से बात मत करना या मम्मी पापा किसी से। ठीक है ठीक है। आप ही अपने बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, तो कृपया करके प्यार दें, धुतकार नहीं। चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही दिल को छूने वाली और भी वीडियोज़ देखें।